गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है कनेक्टिंग रोड। और यहाँ पर हम सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन ली है और हमें बुश बनाना है और एक एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक एक पॉइंट का। तो चलिए अब हम कनेक्टिंग रोड को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो अंदर का सर्कल बनेगा मैडियर, वो बनेगा 15 का, जिसका डाया है 30। तो यहाँ पर 30 का हाफ लेंगे रेडियस के तौर पर, कंपास लेंगे और यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट कर लेंगे जो कि हमारा जो हमारी शाफ्ट इसके अंदर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ये 30 का लाइट रखेंगे, डार्क अभी नहीं करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद अब यहाँ पर हम एक और पॉइंट लेंगे, 16 का लेंगे, क्योंकि अब इससे ऊपर जो है वो 32 का बनेगा, 32 वाला, 32 वाला। तो 16 के साथ ये लेकर हमने दूसरा पॉइंट बना लिया है। दो पॉइंट हमारे यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर रेडी हो गए। थोड़ा जूम कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब तीसरा जो बनेगा यहाँ पर, एक एक पॉइंट को हम क्लियर करते चलेंगे। यहाँ पर तीसरा जो है 20 का बनेगा, रेडियस 20 है, डाया 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ बनेगा। ठीक है, तीन सर्कल, 30, 32, 40। और जो चौथा सर्कल बनेगा उसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ दो पॉइंट आगे ले लेना है, 21 पे ले लेना है, क्योंकि 21 हाफ है रेडियस और डाया बनेगा 42। तो यहाँ पर हमारे पास चार सर्कल आ गए हैं, 30, 32 और 40, 42। ठीक है, इसके बेस पे अब हम यहाँ पर अगला सर्कल बनाएंगे जो कि 3 mm ऑफसेट है। इसको बोलते हैं ऑफसेट करना, यानी कि थोड़ी सी जगह चेंज कर दोबारा सेंटर लेना। तो ये 3 mm का सेंटर पॉइंट आएगा और ये जो कैप बनेगी उसका बनेगा। तो यहाँ पर सेम डाया है 21 का, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 21 रिप्रेजेंट हो रहा है रेडियस। अब यहाँ से यहाँ तक इसको हम पूरा नहीं लेंगे, हाफ लेंगे और देखें, क्योंकि ये सर्कल से मैच हो जाएगा अदरवाइज़। ठीक है, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हमारा हो गया, पहला क्लियर, बुश रेडी हो गया। अब हमें इस पार्ट पर फोकस करना है जो कि हमारी स्क्रीन पे है। तो सबसे पहले 1 mm का पॉइंट ले लेते हैं, क्योंकि 1 mm से ही टच होगा हमारा डायग्राम। और बोथ साइड हम ऐसे ही 1 mm का डॉट लेते हुए एक प्यारी सी लाइन ले लेंगे, एक लाइट लाइन ले लेंगे रेफरेंस लाइन के तौर पर, जिससे इससे आगे हमारा डायग्राम नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये लाइन हमने ले ली है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 3 mm है इसकी हाइट है, 1 mm वाली हमने थोड़ा अच्छे से ले लिया। और जो ये टोटल डिस्टेंस है 30-30 है, जैसे हमें 60 दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, इससे बाहर नहीं जाएंगे हम। ठीक है, और इससे बाहर हमारा डायग्राम जाएगा तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ हमने क्लियर कर ली है कि 60 के अंदर काम करना है। ठीक है, और जो हाइट है वो हमें रेडियस के थ्रू मिल जाएगी, R21 के थ्रू। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले इस पॉइंट से स्टार्टअप करते हैं हम यहाँ पर, और 3 mm का पॉइंट लेंगे यहाँ पर। ये यह कहाँ से कहाँ तक ज्वाइन हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, इस 1 वाली mm को यहाँ से ज्वाइन किया ऐसे। ठीक है, वो जो एक्स्ट्रा जा रही है वो पॉइंट के वजह से है, बट यहाँ पर प्रॉपर 1, 2, 3 3 mm ये डॉट लिया। और इसको भी अंदर की तरफ चाहें तो ज्वाइन करवा सकते हैं, बिल्कुल अभी हैंड टू हैंड ज्वाइन करवाएंगे, बट एक सर्कल पीछे। ठीक है, ये लाइट रखेंगे, ऐसा ही प्रोसेस हम अपोजिट साइड से करेंगे, सेम इसी लाइन पर ही, और दोनों तरफ से सर्कल काउंट कर लेंगे, क्योंकि सर्कल बहुत है और यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। तो 3 mm इधर और 3 mm इधर, बोथ साइड हम प्रॉपर पॉइंट लेंगे और इससे इसको ज्वाइन करवा लेंगे, बिल्कुल लाइट रखेंगे ऐसे। अब इसके बाद जो डिस्टेंस है वो है 9 mm है, और 9 mm का पॉइंट लेंगे प्रॉपर पहले। तो यहाँ से यहाँ तक आ गया 9 mm, यही कॉन्सेप्ट यही प्रोसेस हम अपोजिट साइड भी लेंगे और आगे 3 mm फिर ले लेते हैं। तो हमने पहले ही पॉइंट लगा लिया, पहले 9 mm, फिर 1, 2 और 3 3 mm, यानी कि एक साथ ही हमने काम कर लिया। अब इसको इससे बिल्कुल लाइट मिलाएंगे, ठीक है, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से लाइट मिलाएंगे। तो ये ऊपर का लास्ट एंड आ गया है, इससे आगे हम नहीं जाना है 3 mm वाले से। तो जो ये आया है इसके बीच में एक डिस्टेंस गिवन है, यहाँ से इस चीज़ को डार्क करेंगे और यहाँ से इस चीज़ को डार्क करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम ज्वाइन करवाएंगे, एक एक प्रॉपर फॉर्मूले के हिसाब से है, 3 mm अंदर की तरफ चलेंगे। ठीक है, 3 mm जो हमें गिवन है ये कि ये चीज़ें, तो यहाँ पर हमने 1, 2 एंड 3 ये पॉइंट लिया, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सेम यहाँ से 3 mm अंदर की तरफ लेकर ऐसे लाइन ले लेनी है। अब इनको ज्वाइन करवाना है, इनको ज्वाइन करवाना, बट ये ज्वाइन जो होगा आगे तक हो जाएगा, फिलहाल हम इसको ऐसा दिखा रहे हैं। अब यहाँ से ये ज्वाइन हो जाएगा आगे तक। ठीक है, इस लाइन को इससे
ऐसे करते हुए ज्वाइन करना है, और वो भी कहाँ तक, सर्कल वाली तक, जो हमने 3 mm ऊपर से लिया था सर्कल उस तक। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही हमारा ये कंप्लीट होगा उसके बाद हमें एक एक पॉइंट डार्क करते चलना है। सर्कल 3 mm ऊपर से लिया था तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक ये डार्क हो गया। तो देखिए कितनी क्लियरिटी के साथ हमारा डायग्राम बनता जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप वीडियो स्किप करते हैं तो माय डियर एक एक पॉइंट भी अगर छूट गया तो समझिए सारा का सारा कनेक्टिंग रोड मिस्टेक हो जाएगी आपकी, तो प्रॉपर देखना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें डिस्टेंस जो गिवन है वो है 41 42 है CRS, तो उसका हाफ लेंगे 21 21 बोथ साइड ऐसे करके। ये CRS मतलब क्या होता है कि काउंटर सिंकिंग जो हमारे हेड वो लगते हैं, नट एंड बोल्ट लगते हैं, वो ये इसके सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 21 21 बोथ साइड हमने रिप्रेजेंट करवा लिया है। ठीक है, आपके क्वेश्चन पे गिवन भी है, ऊपर देख भी सकते हैं राइट साइड टॉप में कि CRS 42 है, तो 21 इधर लेंगे और 21 इधर लेंगे। अब आ जाते हैं इस कॉन्सेप्ट को डार्क करने के लिए। यहाँ पर हमारी मेन चीज़ कंप्लीट ही है, पहले हम इसको सर्कल को डार्क करेंगे, जैसे कि पहला ये है और इसको हम पूरा डार्क कर लेंगे क्योंकि जो शाफ्ट है वो दोनों के बीच में आएगी, इधर भी लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। तो पहला ये डन हो गया। दूसरा नंबर वाला याद रखना हमेशा हिडन आएगा, क्योंकि जो हमने ये लिया था 32 वाला यानी कि 16 वाला, ये हिडन में आएगा। ठीक है, 4 सर्कल बनेंगे और 4 सर्कल में से सिर्फ एक यही हिडन में रहेगा क्योंकि ये पीछे की तरफ है। ऐसे करते हुए हमने यहाँ पर ये हिडन कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर लिया है। देन इसके बाद 2 सर्कल और हैं हमारे जो पेंडिंग है, उनको आपको नॉर्मली डार्क करना है। ठीक है, चाहते तो हम पहले भी कर सकते थे, पर माय डियर क्योंकि अभी जो ये लाइन है इनका हमें पता नहीं है कि कौन कौन सी कहाँ कहाँ से डार्क करना है, तो उस चीज़ पे ध्यान रखना है। जैसे ये चीज़ आ गई, ये यहाँ से लेना, इस पॉइंट से आगे नहीं ले सकते हम। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था बस अब आगे नहीं जाना है, आगे जाना है जब हमारा दूसरा पार्ट आ जाएगा। 4th नंबर का है, यहाँ से लेंगे और इसको ऊपर वाली लाइन से लेना है, इस वजह से मैंने ये डार्क नहीं किया था। अब आ जाते हैं हम इसको डार्क करने के लिए, इन लाइनों को जो मैंने अंदर की लाइन गिवन है इनको हम डार्क कर लेते हैं। और याद रखना है इसको मिलाना है पहले वाले सर्कल से, यहाँ से सेम, उधर से भी, और नीचे वाले को मिलाना है, ये हल्का सा छूट गया है, ये इसको मिलाना है यहाँ तक, अंदर वाले से मिलाना पहले वाले से। ठीक है, वो नीचे वाला ज़्यादा मिल गया, पहले वाले से मिलाना है। तो यहाँ पर ये पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ। अब हम दूसरे पे फोकस करते हैं, और दूसरे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 mm इधर 4 mm इधर ये बनाएंगे। ये किसको है, ये बोल्ट का जो डाया है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने पहले पॉइंट ले लिया है, इसको हम अभी डार्क नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बोल्ट को रिप्रेजेंट करना है 4 mm ऊपर और 4 mm नीचे, तो ये अंदर आ जाएगा तो इतना कॉन्सेप्ट जो है वो हिडन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हिडन आ जाएगा, यहाँ का अभी हम रोक देते हैं, दूसरी साइड का, इन साइड का अभी हम रोक देते हैं, सिर्फ ये वाले को रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि जब हम बोल्ट डालेंगे तब हमें प्रॉपर उसका ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ तक आएगी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर बोल्ट आ जाएगा, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट पूरा प्रॉपर हो गया है। अब इसके बेस पे हमें दूसरा काम करना है जो कि नीचे वाले पोर्शन बनेगा, और उसके लिए भी सेम ऐसा ही बनेगा और यही चीज़ बनेगी, बट थोड़ा सा चेंज होगा उसमें भी। तो हमने यहाँ पर पहले इसको एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया है और ये प्रॉपर रेफरेंस ले लिया, अब इससे बाहर नहीं जाना है हमें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसी सेंटर से स्टार्ट करते हैं, 3 mm का डॉट लेते हैं इधर, ये आ गया 3 mm, यही इधर से लेंगे हम, 3 mm इधर आ गया और इनको उससे मिला लेंगे यहाँ से। ठीक है, जैसे हमने ऊपर वाला मिलाया था सेम। ठीक है, यहाँ से, और नीचे वाले जो सर्कल हैं उसको हम डार्क करेंगे बट अभी नहीं। ठीक है, एक एक लाइन को अच्छे से डार्क करते चलेंगे। 9 mm ड्रॉप करेंगे यहाँ से, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 9 mm को डार्क किया। ठीक है, 21 है ये डिस्टेंस, सेम यही तरीका उधर लेंगे हम, 21 पे 9 mm इधर लेंगे। अब जो था ऊपर वाला था उसका देखिए डायग्राम चेंज हो चुका, कुछ इस टाइप का बनेगा, बट ये नहीं है प्रॉपर जो है कनेक्टिंग रोड का, बट आपको यही साइज लेना है इधर भी, इसलिए मैंने इसी व्यू को मिरर करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल ऐसे बनेगा और ये चीज़ अब पहले वाले सर्कल से जॉइन हो जाएगी। तो यहाँ पर इतना तो सेम है,
ठीक है, अब आ जाते हैं ये, इसके बाद ये चीज़ बनानी है हमें पूरी की पूरी। अब ये लाइन जो है ये डार्क करनी है हमें, कंपास लेंगे और रख कर डायग्राम को डार्क कर देंगे। अब पता चला कि मैंने पहले ही अपने सर्कल क्यों डार्क नहीं किए, सिर्फ इस वजह से क्योंकि कुछ सर्कल पूरे कंप्लीट नहीं होंगे, सिर्फ दो ही सर्कल हमारे कंप्लीट होते हैं जो कि अंदर वाले दो हैं, एक हिडन वाला और एक उससे छोटा। तो यहाँ पर देखें कनेक्टिंग रोड का जो नीचे का जो हेड होता है मेन, वो बन के रेडी हो गया है। अब हमें यहाँ पर काम करना है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है सेंटर लाइन से डिस्टेंस है, यहाँ से पहले ये हिडन को पूरा बना दिया, ऐसे ही ऊपर वाली हिडन को पूरा बना दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, एक प्रॉपर डिस्टेंस लेना है, मेंटेन करना है यहाँ से यहाँ तक का। ये डायग्राम हमारा बन गया है। अब यहाँ पर हेड रेडी, अब जो टेल है यानी कि इसका जो बैक पोर्शन है उस पर काम करेंगे। तो बैक पोर्शन क्या कहता है कि भैया सेंटर से 30 mm पीछे चलना है, सेंटर से 30 mm पर डॉट लगाया बोथ साइड, और यहाँ पर यहाँ से डार्क करते हुए एक लाइट लाइन ले ली। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है हमारा कनेक्टिंग रोड का बेस बनाना, बैक पोर्शन बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 15 इधर 15 इधर जो कि हमें गिवन है 30 30, ठीक है, ये चीज़ ले लेंगे। और एक पॉइंट कहीं पे भी ले सकते हैं हम, बट इससे हम इस वाले पोर्शन से इसको डार्क करेंगे, इस वाले पोर्शन को इससे डार्क करेंगे, ठीक है। यानी कि जो नीचे की तरफ था 15 15 था और जो लेंथ थी इसकी 30 पे ज्वाइन हुई है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब थोड़ा सा एक बार चेंज कर लेते हैं इमेज कैमरा एंगल को, 102 mm का पीछे की तरफ हम डॉट लेंगे, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस 102 है, उस पर हमने डॉट लगाया ऊपर भी और नीचे भी, और एक बिल्कुल लाइट लाइन ले ली है। यानी कि ये जो हम लाइन ले रहे हैं ये रिप्रेजेंट करता है कि कनेक्टिंग रोड की जो टेल है उसका डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, 102 हमने ले लिया है, 102 से पीछे भी एक गिवन है वो 15 mm है, बट यहाँ पर पहले हम यहाँ पर पॉइंट लेते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट लेने का तरीका क्या है कि जो हमें गिवन है उसकी हाइट है यहाँ पर 12 mm है, तो 6 mm ऊपर ले लेंगे और 6 mm नीचे ले लेंगे। अब इससे ऊपर लेंगे हम 4 mm और 4 mm से ऊपर लेंगे 1 mm या 1 mm लेंगे, ठीक है। बट अगर हम चाहें तो 2 mm भी ले सकते हैं, बट 1 mm है। यहाँ से फिर लेंगे 4 mm और यहाँ पर लेंगे 1 mm, ये आ गया इस तरफ का। और अपोजिट साइड जो है उस पर भी हम ऐसे ही करेंगे, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, हमें पहले अपोजिट साइड भी पॉइंट लेने पड़ेंगे तब ही जाकर हमारी लाइन मिलेगी, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं और वापस आते हैं अपोजिट साइड। यहाँ पर जो गिवन है अब उस पर हम फोकस करेंगे, तो यहाँ पर 1 2 3 3 इधर और 3 इधर 1 2 3, तो ये आ गया 6, ठीक है। देन इसके बाद जैसे उधर 4 लिया था, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ठीक है, 1 2 3 1 2 3, अब यहाँ पर रखा और 4 पे डॉट लगाया और यहाँ पे 1 पे डॉट लगाया क्योंकि ये सेम है, ठीक है, 4 और 1। अब जो लास्ट वाला पॉइंट था वो 1 वाले से 1 वाले को ज्वाइन करवाएंगे और लाइट रखेंगे अभी, ठीक है। फिर ऊपर से नीचे जो 1 आ रहा है इसको भी एक दूसरे से ज्वाइन करवाएंगे, बिल्कुल। अब ऐसे ही हम ये इधर का 3 उधर का 6 इसको ज्वाइन करवाएंगे, तो देखें एक टेपर पॉइंट आते जा रहे हैं हमारे कंटिन्यू। और ऐसे करते हुए हम सारे पॉइंट मिला लेते हैं एक एक कर कर, ठीक है। ये पॉइंट आ गया, अब यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब हमें ज़रूरत है सर्कल मास्टर की, और यहाँ पर जो R है 15 है, तो हम यहाँ पर सबसे बड़ा सर्कल का सर्कल लेंगे, इसके अंदर जो 15 है, यहाँ से इन दोनों को एक दूसरे से इसकी लाइन को ऐसे मिला देंगे। तो देखें बिल्कुल वही कर्व आ गई है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट हम नीचे की तरफ करेंगे कुछ ऐसे, ये चीज़ आ गई है हमारी। और अब यही तरीका हम दूसरी तरफ भी अपनाएंगे, पर उससे पहले इसको डार्क कर लेते हैं इस लाइन को ऐसे ही नीचे वाले। तो अब देखें जो कनेक्टिंग रोड की टेल है वो निखर के आ गई है, बिल्कुल साफ़ सुथरी आ गई है आपके सामने और अच्छे से आ गई है ना। तो चलिए अब इस पे हमें फोकस करना है, और अब हमें यहाँ पर ये चीज़ बना लेनी है, यहाँ पर ये चीज़ जैसे सेम 15 का लिया था, तो 1 mm का गैप रख कर ऊपर से
नीचे की तरफ इसको ज्वाइन करवा लेंगे। तो देखिए कनेक्टिंग रोड के अंदर एक स्लॉट भी बन गया है, इसको बोलते हैं स्लॉट बनाना, है ना, खाचा टाइप का। तो ये चीज़ आ गई है, अब यहाँ से इसको ज्वाइन करवा देंगे और इस पॉइंट को भी हम ज्वाइन करवा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे दोनों तीनों पॉइंट ज्वाइन होते चले गए, कनेक्टिंग रोड बहुत अच्छे से निकल के आ गई। अब हमें एंड में काम करना है, उससे पहले हम यहाँ पर सर्कल मास्टर लेते हैं या कंपास लेते हैं, वो आप कोई भी ले सकते हैं अगर आपके पास प्रॉपर है तो। इन पॉइंट से इस पॉइंट तक हम सर्कल मास्टर को लगाएंगे, सेट करेंगे, और जो कि सिक्स था यहाँ पे, सिक्स इधर इसको रखते हुए प्रॉपर ये चीज़ हम बना लेंगे। तो देखिए हमारे सामने ये गोल कर्व भी आ गई है, ये भी एक स्लॉट है आपकी कनेक्टिंग रोड के अंदर, और इसको नीचे वाले थ्री से ज्वाइन करवाएंगे, सेम यहाँ पर ज्वाइन करवाएंगे। अगर आप वीडियो के हिसाब से चल रहे हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं, तो माय डियर आपका भी सेम डायग्राम ऐसे ही बनता जा रहा होगा, और बहुत अच्छा है कि अगर आप ऐसे ही वीडियो को देखकर बनाते हैं तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ये एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और 60% बच्चे इसको छोड़ के आते हैं, इस कनेक्टिंग रोड को। तो माय डियर इतना हार्ड नहीं है, अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं एग्ज़ाम में, और पूरे पूरे नंबर मिलते हैं इसको बनाने में। अगर 19-20 की थोड़ी बहुत गलती भी होती है तब भी पूरे नंबर मिलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस लिया 15, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कोई डाउट है तो आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका कमेंट्स जरूर करूँगा, रिप्लाई ज़रूर दूँगा आपको। तो यहाँ पर ये हमने 15 लिया, और 15 लेने के बाद यहाँ से हमें सर्कल बनाने हैं, 3 से 4 सर्कल बनेंगे। तो चलिए पहला सर्कल हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पर ये आ गया है 18 का है, तो 9 का हमने पॉइंट लगाया, और अब हमें कंपास की ज़रूरत होगी, और यहाँ पर हमें सर्कल क्रिएट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 3 सर्कल बनेंगे, तो पहला सर्कल जो है डाया 18 है, और ये बन गया है हमारा, ठीक है। इसके बाद अब हमें सेकंड बनाना है, और सेकंड बनाते वक्त ध्यान रखना है एक एक पॉइंट का। अब यहाँ पर हमारे पास डी अगर है तो हम पहले डी को अच्छे से रखेंगे, और नीचे से 15 mm पे डॉट पॉइंट लेंगे। डॉट पॉइंट लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 15 डिग्री की हमें यहाँ पर लाइन लेनी है, यहाँ से 10 और 5 15। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर से भी हम 15 लेंगे और एक लाइन ले लेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कनेक्टिंग रोड के अंदर 15 डिग्री के बाद यहाँ पर एक स्क्रू डलेगा, ठीक है, जो कि हमारे पिस्टन में जाके कनेक्ट हो जाएगा, गजन पिन को टाइट कर देगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा गैप दिया जाता है, वो गैप किस लिए होता था कि गजन पिन डलने के बाद वो बिल्कुल प्रॉपर होल्ड हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमने कर ली है। देन इसके बाद हमने लिया यहाँ पर दूसरा सर्कल ले लिया है, ठीक है। ऐसे करते हुए हम टोटल सर्कल बनाएंगे यहाँ पर, आपको डिटेल में आपको कंटिन्यू देता चलूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या करना है, 2 सर्कल हमारे रेडी हो गए। तीसरे सर्कल अब हमें यहाँ से इस कॉर्नर पॉइंट से लेना है, बट 1 mm पीछे लेना है, 14 mm तक ओपन करना है। टोटल 28 है यहाँ पर, ठीक है। जो तीसरा सर्कल है उसका डाया 28 है, और यहाँ पर हम ओपन कर लेंगे, बट पूरा ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि जो कनेक्टिंग रोड की लाइन आ रही है, जो टेपर वाली लाइन आ रही है, ये इससे आकर ज्वाइन हो जाएगी। आप जैसे डायग्राम में देख भी रहे हैं, तो ऐसे करके कुछ इस प्रकार। तो यहाँ पर हमने ये ले लिया है, ऐसे देखें आ गई। यही चीज़ हमें यहाँ पर प्रॉपर करनी है, और देखें अब हमारा यहाँ पर कनेक्टिंग रोड का डायग्राम कुछ ऐसा बन गया है। और अब हमें यहाँ पर जो चीज़ डार्क करनी है वो डार्क करेंगे, बट यहाँ पर क्या है, 3 mm 1.5 mm इधर, 1.5 mm इधर, एक स्लॉट पॉइंट ले लेंगे। ऐसा स्लॉट क्यों है, क्योंकि ये थोड़ा सा कटा है, ये हल्का सा कटावपन है यहाँ पर, एक झर्री है इसमें, जब हम किसी भी स्क्रू को टाइट करते हैं तो ये बैक पोर्शन को और फ्रंट पोर्शन को खींच कर रखेगा और गजन पिन को टाइट कर लेगा। गजन पिन टाइट होगी तो समझे पिस्टन आपका टाइट हो जाएगा, तो पिस्टन पीछे की तरफ लगता है यहाँ पर नीचे, और लेफ्ट साइड पर हमारी क्रैंक शाफ्ट लगती है, ठीक है। अब यहाँ से सर्कल को हमें कंटिन्यू गोल रोटेट करवा देना है, और डार्क रखना है, ये चीज़ याद रखना कि डार्क रखना, बस 3 mm का स्लॉट पे डिस्टेंस छोड़ते हुए काम करना हमें, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आ गई कुछ ऐसे, और अब ऐसे ही हम नीचे वाले सर्कल पे कंटिन्यू करेंगे, और पहले इस लाइन को हम आगे तक लेके जाएंगे, बस यहाँ तक, और ऐसे ही ऊपर वाली को हम यहाँ तक करेंगे, और सेम अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ऐसे करके हमें कंपास इससे सर्कल मास्टर से इसको ज्वाइन करवा देना है, और सेम सर्कल मास्टर का सेम साइज खुलेगा जो हमने पहले लिया था।
तो यहां पर कनेक्टिंग रोड का ये रेडी हो गया है। अब सर्कल को कंटिन्यू डार्क कर देंगे और यहां पर पूरा सर्कल डार्क होगा, याद रखना पूरा सर्कल डार्क होगा बस इस 3 mm से छोड़कर, ठीक है। हालांकि जब हम ज्वाइन करते हैं, असेंबली करते हैं, तो ये जो बीच का स्लॉट है, गैप जो है, ये फिल हो जाएगा, ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा, तब हमें यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस चीज को भी हमने डार्क कर दिया है और देखें आपके सामने असेंबली जो है, कनेक्टिंग रोड की असेंबली बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो गई है ना। बस छोटी मोटी अभी पार्ट्स रहते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे बोथ साइड जो है स्क्रू डलने हैं और बोल्ट डलने हैं, नट डलने हैं, तो और नट भी जो है यहाँ पर कैस्टल नट यूज़ होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सेम ऐसे लेंगे हम और यहाँ से एक लाइन ले लेंगे। ये ऐसा लाइन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी एंगल पर लेंगे, यहाँ से 11 mm ऊपर लेंगे, ठीक है, 11 mm ऊपर और 11 mm यहाँ से ऊपर, जो हमने ये टेपर लाइन ली है सेंटर से और 11 mm ऊपर। तो जब हम दोनों तरफ से ऐसे करेंगे 11 mm ऊपर 11 mm नीचे, तो माय डियर यहाँ पर एक हमें सेंटर लाइन मिलेगी। इसी सेंटर लाइन से बोल्ट जो लगेगा, यहाँ पर जो स्क्रू लगेगा, उसका हाफ डिस्टेंस उधर होगा, हाफ डिस्टेंस इधर होगा। तो अब हम यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। और इसकी जो बॉडी है, सबसे पहले जो ये बॉडी बना रहे हैं, हम बॉडी बना रहे हैं कनेक्टिंग रोड की बॉडी बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कनेक्टिंग रोड आएगी, कनेक्टिंग रोड में जो है ना थोड़ा सा नॉर्मल है बट हल्का सा चेंज होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये डॉट लिया हमने, इसके टेंजेंट पॉइंट पर डॉट ले लिया है, और इसके बाद हम एक एक स्क्रू पर फोकस करते हुए, ये जो डिस्टेंस है ये 3, इसको हम पूरा 6 लेंगे आगे चल के, ठीक है। ये पूरा 6 आ गया है और इसको डार्क कर लेंगे, मतलब बोल्ट जो है इससे टच होगा, नीचे की तरफ नहीं दिखाएंगे, ऊपर की ही तरफ दिखाएंगे, क्योंकि जो अंदर लग जाएगा वो सब हिडन में जाएगा और उसको हमें यहाँ पर दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। हम सिर्फ 6 वाले को रिप्रेजेंट करते हुए डार्क कर लेंगे और पूरा पूरा, क्योंकि जब हम टाइट करते हैं तो उसको पूरा पूरा रिप्रेजेंट करना होगा, तो इसीलिए जो बीच का स्लॉट है, इस चीज़ को हम यहाँ से इतना डार्क करते हैं, यहाँ से इतना, और इसको सर्कल की एक्सिस से ज्वाइन करवा देंगे। तो ये कुछ ऐसा पार्ट है इसका, ठीक है। और जो 1 mm हम बाहर ले रहे हैं, ये थ्रेड को रिप्रेजेंट करता है कि इसके अंदर कुछ इस टाइप से थ्रेड है, यानी कि एक कवर है, उस चीज़ को ये रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर हमारा स्क्रू डलेगा और स्क्रू को डालने का डिस्टेंस जो है 6 mm हाइट है, तो ये हमने ये लिया 6 mm पर डॉट लिया एक्सिस के तौर पर, ठीक है, ये लिया 6 mm और यहाँ से यहाँ तक इसको ज्वाइन करवा लिया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है कि यहाँ पर बैक पोर्शन जो है इसके ऊपर, यहाँ से कॉर्नर पे, इसके कॉर्नर से कॉर्नर पे ज्वाइन आ जाएगा, और जो ये अभी बना रहा हूँ ये 2 mm पे आएगा, और ये बॉडी है कनेक्टिंग रोड की। तो माय डियर ये मत सोचना कि ये बोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कनेक्टिंग रोड की बॉडी है, ठीक है। जब बॉडी बन जाएगी तो ये बॉडी का है, यानी कि कुछ जब स्क्रू लगता है तो वो बोथ साइड आता है, सेंटर से उधर भी इधर भी, बट हमें यहाँ पर जो नट की जो साइड व्यू है वो एक ही तरफ से दिखानी है, यहाँ से इस तक दिखाना है और यहाँ से ये दिखाना है। तो जो हमारा वो सेंटर से मेरी तरफ रह गया, नीचे की तरफ रह गया, ये बॉडी है कनेक्टिंग रोड की, और जहाँ पर ये क्रॉस का सिंबल आया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर अब हमने अपना स्क्रू डाल दिया है, ठीक है। अब इसको हम पूरा ज्वाइन करवाएंगे, बट यहाँ पर हमें जो ये लाइन थी इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम प्रॉपर टाइट करते हैं तब यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी। बस यहाँ पर हमें सेंटर लाइन दिखाना है, ठीक है। चाहे तो हम इसको होल्ड भी कर सकते थे, नहीं भी बनाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब हम इसको करते हैं ऐसा, तब जाकर हमारी पूरी की पूरी डायमेंशन प्रॉपर हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पर जो इसको थोड़े से टच पॉइंट है, जो साइज़ है, वो चीज़ बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर सेंटर से 6 mm इधर, 6 mm इधर, और 6 mm की हाइट आ जाएगी, ठीक है। ये आ गया 6, ये आ गया 12। तो यहाँ पर हम जो स्क्रू का हेड है वो बना रहे हैं, यानी कि बोल्ट का हेड बना रहे हैं, हम बोल्ट बोल सकते हैं सीधा, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर हमें सर्कल मास्टर लेना है और जो हमारा बोल्ट है उसके अंदर एक साइड व्यू दिखाई दे रहा है हमें, तो यहाँ से यहाँ तक उसकी लुक जो होगी वो कुछ इस प्रकार होगी, और ऐसे हम यहाँ पर दिखाएंगे। अब ये स्क्रू जो है यहाँ से अंदर जाएगा और हमें यहाँ पर ये चीज़ बनानी है, तो 6 mm का डॉट लगाते हुए हमें बाहर पे काम करना है प्रॉपर, ठीक है।
यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम, और अच्छे से आपने बना लिया होगा। तो जैसे 4 mm हमने उधर लिया और 4 mm आप इधर लेंगे, ये जो सेंटर लाइन है मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि 4 mm पे है। तो माय डियर ये जो बोल्ट है उसका जो हेड है वो 12 है और जो उसका सिलेंड्रिकल पोर्शन है जिसपे थ्रेड बनती है वो 8 है। तो 4 mm सेंटर से इधर, 4 mm सेंटर से इधर। अब जो हाइट है ये आएगी 6 mm पे और यहाँ पर ये चीज़ हम इसको डार्क कर देंगे। अब यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं कैस्टल नट। कैस्टल नट में क्या होता है, नॉर्मल नट होता है बट ऊपर की तरफ स्लोट कटे होते हैं, ठीक है। तो कैस्टल नट को अब आप देखेंगे किस हिसाब से हम बनाएंगे, तो हम सर्कल मास्टर की मदद से बनाएंगे। हालांकि कैस्टल नट को बनाने का भी एक प्रॉपर मेथड है बट यहाँ पर हम प्रॉपर मेथड को यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उस दौरान और एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम इसको प्रॉपर बनाएं। तो आप इसको इस हिसाब से बना सकते हैं कैस्टल नट को और पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। याद रखने वाली चीज है कि हम हेक्सागोनल नट या कैस्टल नट को हम ऐसे भी बना सकते हैं जैसे अभी आपके सामने मैं बना के दिखा रहा हूं। तो देखें कितने बेहतरीन तरीके से हमारा नट बनता जा रहा है और जो इंटरनल पोर्शन है उसको हम डार्क करते चलेंगे। और डार्क करते वक्त ध्यान रखना है कि कौन सी लाइन कहां तक डार्क करनी है, एक्स्ट्रा लाइन कभी भी डार्क नहीं करेंगे, बस इससे आगे कैस्टल नट हमारा नहीं जाएगा। अभी नॉर्मल हेक्सागोनल नट टाइप का लग रहा है ना। अब है इसके ऊपर इसका हम कैप बनाएंगे जो कि ये हेक्सागोनल नहीं कैस्टल नट में तब्दील हो जाएगा। तो जो हाइट है हमारी यहाँ पर 2 से 3 mm की हाइट गिवन है, तो हम यहाँ पे 3 mm ले रहे हैं और इसको यहाँ से एक लाइन डार्क करेंगे, ठीक है। 1 mm एक्स्ट्रा ले लेंगे हम लाइन से बाहर क्योंकि कर्व को दिखाना ज़रूरी है यहाँ पर। तो हम कर्व जो लेंगे वो छोटी कर्व लेंगे और हेक्सागोनल के कर्व से यानी कि इस हिसाब से इसको ज्वाइन करवा देंगे। अब आपको ऑटोमेटिक ही वो चीज़ दिख जाएगी कि हाँ कैस्टल नट देखें आ चुका है कैस्टल नट, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये लाइन बना रहे हैं 2 mm की, ये इसके अंदर की आ गई है, कैस्टल नट को रिप्रेजेंट कर दिया जो कि अंदर स्लोट कटे हुए हैं। अब यहाँ पर जो बोल्ट डाला है उसकी 4 mm के बाद, तो यहाँ पे 4 mm ऊपर ले सकते हैं, जरूरी नहीं है 4 ले 5 ले 6 ले क्योंकि ये एक्स्ट्रा है इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये ले लिया लाइन और इसके ऊपर एक कर्व आ जाएगा अंदर की तरफ, हमें थ्रेड यहाँ पर शो करना है। ये आ गया हमारा बोल्ट कंप्लीट हो गया और 1 mm अंदर यहाँ पर थ्रेड जो है वो रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि पता चले बोल्ट इसके अंदर टाइट हुआ है। अब यही कॉन्सेप्ट हम इधर बनाएंगे और ये हमने बना लिया है। देखें कितने बेहतरीन तरीके से हमारा बुश भी रेडी हो गया है और कनेक्टिंग रोड हमारी जो थी वो बन गई है यहाँ पर। अब हिडन लाइन दिखा ली हमने ये वाली जो कि 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमारा बोल्ट रेडी हो गया है, डायग्राम रेडी है। अब मैं फटाफट आपको इसकी डायमेंशन दिखा देता हूँ, डायमेंशन जो है वो एक्सप्लेन भी कर दूंगा थोड़ी सी यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए डायमेंशन, ये आगे डायमेंशन, ये 60 है, ये 42 है। यहाँ पर सबसे अंदर वाला सर्कल है डाया 30 का, दूसरा हिडन वाला जो है वो डाया 34 का है, तो ये चीज ध्यान रखना डाया 34। जो तीसरे नंबर का सर्कल है डाया 40 का है, 40 का, जिसकी रेडियस हमने 20 ली थी, और बाहर वाला जो है वो 42 का है। और यहां से 3 mm, ये वाला 3 mm, यहां से इसको 3 mm जो लिया है, यहां से 21 की आर्क लगेगी दोबारा, यानी कि 42 डाया आ जाएगा। तो ये दो तरीके से बनते हैं जो इसको रिप्रेजेंट करता कैप की आर्क को, तो ये है R21, ठीक है। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है पांचवा सर्कल है ये याद रखना, पांचवा बट 3 mm ऑफसेट के बाद, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 30 है, 30 है, ये गिवन कर दिया है हमने, बहुत लाइट दिख रहा है। यहाँ से यहाँ तक 102 डिस्टेंस है। जो अंदर वाला सर्कल है वो डाया 18 का है, अंदर वाला डाया 18 का है, नंबर 2 डाया 24 का, नंबर 3 डाया 30 का, और यहाँ से ये है 6 square, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।